अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में नमकीन फ्राई कोफ्ते की रेसिपी तैयार करेंगे। उसके लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, आधा बाउल कीमा, ये बीफ का कीमा है, एक फुल साइज़ की प्याज चॉप की हुई, 9 अदद हरी मिर्च, 8 से 9 जवे लहसुन के, एक प्याली धनिया, धनिया के ये पत्ते हैं मैंने अलग कर लिए हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, 3 टेबलस्पून पानी, 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल एंड 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि सुरख मिर्च। फ्राई कोफ्ते तैयार करने के लिए सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज को, हरी मिर्च को, लहसुन को और धनिया के पत्तों को अच्छी तरह सिल में पीस लेंगे। इसे हमने ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंड करने से हमारा ये जो बैटर तैयार होगा वो ज़्यादा ही बारीक हो जाएगा, इसलिए हम इसे अच्छे से सिल में पीस लेंगे। पहले इस मसाले को मैंने सिल में अच्छे से पीस लिया है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, मैंने थोड़ा थोड़ा ये मोटा रखा हुआ है, ग्राइंड करने से ये बिल्कुल ही बारीक हो जाता है। अब हम इसे कीमे के अंदर ऐड कर देंगे और कीमे के अंदर ऐड करने के बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, सुरख मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसे मैश करना है ताकि ये मसाला अच्छी तरह अच्छे कीमे के अंदर लग जाए। इस तरह कोफ्ते हमारे बहुत टेस्टी तैयार होंगे। आप मुझसे कमेंट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मुझे कमेंट आया हुआ था कि हलीम के अंदर दलिया कौन इस्तेमाल करता है। हलीम के अंदर दलिया ज़रूर इस्तेमाल होता है, उससे हलीम बहुत अच्छा बन जाता है। ये हमने अच्छे से मैश कर लिया है, ये अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेके हम इसकी गोल बॉल्स बना लेंगे। आप जो भी इसे शेप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, आप इसकी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं और जिस साइज़ के आप रखना चाहते हैं उतना साइज़ आप कोफ्तों का तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारे कीमे की बॉल्स बना के रख लेंगे। सारी बॉल्स मैंने कीमे के कोफ्ते बनाने के लिए तैयार कर ली हैं। अब हम इसे गलने के लिए रखेंगे। पहले नॉनस्टिक कढ़ाई मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। अब हम हाथ की मदद से कोफ्ते रखना शुरू करेंगे इसके अंदर। सारे कोफ्ते मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे क्योंकि जो मसाले मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं उसमें से भी ऑलरेडी पानी निकलेगा और उसी पानी के अंदर ये अच्छे से गल जाएंगे। अब हम इसे कवर करके रख देंगे अच्छी तरह गलने के लिए। जब ये अच्छे से गल जाएंगे तो फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दिया था, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, ये देखें थोड़ा सा पानी उसके अंदर से भी निकल गया है। इसी पानी के अंदर ये अच्छे से अब गल भी जाएंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। जब ये अच्छे से गल जाएंगे तो हम इसके अंदर ऑयल डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। इसकी साइड में चेंज कर देती हूँ। साइड इसकी मैंने चेंज कर दी है, अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। मज़ीद मैंने 5 मिनट रख दिया था और कोफ्ते हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अभी इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी है ये हम इसे ड्राई कर लेंगे पहले।
मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखें अच्छी तरह हमारे कोफ्ते गल चुके हैं, पानी खुश हो गया। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें फ्राई कर लेंगे। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हो, डीप फ्राई भी कर सकते हो, इस तरह ये ज़्यादा इजी रहता है। कलर हमने इसका गोल्डन ब्राउन करना है। के लिए इसे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, कलर भी इसका गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में मैंने सारे कोफ्तों को निकाल लिया है। साइड पे हम इसके ये हरी मिर्च रख देंगे, साथ में इसके केचप यूज़ कर रही हूँ। आप रायता, चटनी जो आपको बेस्ट लगे इसके साथ वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और उसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।